नमस्कार दोस्तों, सौरभ ज्ञानियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको फेरोटीन सिरप के बारे में जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखें जिससे आपको फेरोटीन सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें फेरोटीन सिरप के मार्केट प्राइस की, तो इसकी मार्केट प्राइस 125 रुपये है और यह सिरप 200 ml की पैकिंग में आती है। फ्रेंड्स, इस सिरप की मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करें सिरप की कंपनी के बारे में, तो इसे लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस सिरप के कंटेंट के बारे में। इस सिरप के कंटेंट में आयरन, विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है। तो आइए जान लेते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में। फेरोटीन सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी कारण से शरीर में खून की कमी हो गई हो, इसके अलावा खून की कमी के कारण कमजोरी की समस्या हो, थकान महसूस होती हो, चक्कर आता हो, आलस आता हो, इसके अलावा हाथों या पैरों में दर्द होता हो, हाथों या पैरों में झुंझुनाहट महसूस होती हो, इसके अलावा वजन कम हो गया हो, भूख नहीं लगती हो, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसी की कमी को पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बेहतरीन सिरप है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फेरोटीन सिरप की नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति में 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है, और इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, तभी इस सिरप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सिरप की डोज एज और वेट के अनुसार कुछ व्यक्तियों में अलग अलग होती है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है यह उस व्यक्ति की समस्या के ऊपर निर्भर करता है। और आइए जान लेते हैं फेरोटीन सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट में जी मचलाना, उल्टी आना, इसके अलावा कब्ज होना, पेट में दर्द होना, स्वाद में बदलाव आना, यह सब इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को होते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने के बाद यदि आपको ये सभी समस्याएं होती हैं तो इस सिरप को बंद करके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की जानकारी फेरोटीन सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।